बच्चों, आपके प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी आफे की तरह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। स्कूल में आप जैसे मस्ती करते हो, वैसे ही मस्ती कर रहे थे और आप ही की तरह मन लगाकर पढ़ भी रहे थे। ऐसा करते करते गट्टू चिंकी इस क्लास से उस क्लास से फिर अगली वाली क्लास, इस प्रकार एक एक क्लास आगे बढ़ते रहे और क्लास के साथ साथ उनकी किताबें भी बढ़ती चली गई। फिर तो बेचारे गट्टू चिंकी पर पढ़ाई का प्रेशर तो बनना ही था। अब इतनी सारी किताबें और एक ही क्लास टीचर, मतलब बच्चों के साथ साथ प्रेशर तो क्लास टीचर पर भी था। क्लास टीचर उन्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करते थे, फिर भी कोई ना कोई चैप्टर ऐसा आ जाता जो क्लास टीचर के पढ़ाने पर भी गट्टू चिंकी के पल्ले नहीं पड़ता था। मतलब स्कूल से घर आते ही पापा पर प्रेशर, पापा ये चैप्टर जरा समझाओ ना, 5 बार पढ़ा फिर भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। दिखाओ तो। अरे ये तो सिंपल है, स्कूल में पढ़ाया नहीं क्या? पढ़ाया था, लेकिन आप पढ़ाओ ना फिर से। पापा पहले मुझे इस वर्ड का मीनिंग समझाओ। दिखाओ तो। अरे टीचर ने बताया नहीं क्या? बताया था, लेकिन इसका बताना भूल गए। पापा पहले मुझे समझाओ। नहीं पहले मुझे। बेचारे पापा दोनों की किताबें लेकर कंफ्यूज होकर सोच रहे थे कि पहले किसको समझाया जाए, कि तभी अंदर से मम्मी की आवाज आई। अरे सुनो, कुकर की 4 सीटी हो जाए तो गैस बंद कर देना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब बेचारे पापा करे तो क्या। अरे बाप रे, मुझे लगता है अब तुम दोनों को ट्यूशन भेजने का सही समय आ गया है। ट्यूशन? हाँ ट्यूशन, ट्यूशन मतलब दूसरा स्कूल ही होता है, वहाँ भी हमें पढ़ाया जाता है, हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और हमें हर सब्जेक्ट में ट्रेन किया जाता है। अरे बाप रे, एक और स्कूल? हाँ, लेकिन ट्यूशन स्कूल से काफी अलग होता है, वहाँ ना तो हम खेल सकते हैं और ना ही मस्ती कर सकते हैं, वहाँ बस पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई ही होती है। वहाँ के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं। मैं जाता हूँ ना हर रोज ट्यूशन क्लास, मुझे पता है। गट्टू चिंकी ना तो इससे पहले कभी ट्यूशन गए थे और ना ही उन्होंने कभी ट्यूशन का नाम सुना था। हरि ने जिस तरीके से ट्यूशन और ट्यूशन टीचर्स के बारे में उन्हें बताया, सुनकर गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए। शाम को स्कूल से घर लौटने के बाद वो पापा से बोले, पापा हम ट्यूशन क्लास नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? पापा कहा ना, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, हमें पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल और आप ही बेस्ट है। बेटा जिद ना करो, स्कूल बेस्ट ही है, लेकिन आज सिलेबस में इतने और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं कि बेचारा स्कूल अकेला क्या करे। और रही मेरी बात, तो मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, ऑफिस के कुछ कॉल्स, ऊपर से मम्मी का हाथ बटाना होता है, बाहर के कुछ काम निपटाने होते हैं, ऐसे में मैं तुम दोनों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, तुम दोनों को अब ट्यूशन जाना ही होगा बच्चों। बेचारे गट्टू चिंकी इस पर क्या बोलते, उन्हें पापा की बात माननी ही पड़ी। संडे के दिन पापा गट्टू चिंकी को सोसाइटी के पास वाले ट्यूशन क्लास ले गए एडमिशन के लिए। वहाँ ऑफिस में एक टीचर बैठे थे, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी मूछें और उनके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे और वो काफी खतरनाक दिख रहे थे। गट्टू चिंकी उन्हें देखकर ही डर गए। नाम बोलिए। ये है गट्टू, ये है चिंकी। आप बीच में मत बोलो, बच्चों को बताने दो। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी डर गए। मंडे की शाम गट्टू चिंकी स्कूल से घर आए और अब उन्हें ट्यूशन क्लास जाना था। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बेचारे करते तो क्या, उनका एडमिशन जो हो गया था। दोनों बेचारे ट्यूशन क्लास में आकर बैठ गए और उस खड़ूस ट्यूशन टीचर का वेट करने लगे। उनके साथ बैठे बाकी बच्चों की बैच भी नई थी और काफी डरी हुई थी। तभी क्लास में काफी यंग, जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ, काफी डैशिंग और डिसेंट सा जवान लड़का अंदर आया। उसे देखकर गट्टू बोला, भैया आप अंदर क्यों आए, हमारे खड़ूस टीचर आएंगे तो आपको मारेंगे, जाओ यहाँ से आप। क्या तुम उस बड़ी बड़ी आँखों वाले, बड़ी बड़ी मूछों वाले खतरनाक टीचर की बात कर रहे हो? हाँ बहुत खतरनाक है वो, जाओ आप। डोंट वरी, वो इस क्लास में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस क्लास का टीचर वो नहीं मैं हूँ। ये सुनकर गट्टू जोर से चिल्लाया, क्लास स्टैंड अप, 1 2 जय हिंद।
मॉर्निंग सर। अपने इस ट्यूशन टीचर के डैशिंग एंट्री और बात करने के तरीके से सारे बच्चे इंप्रेस हो गए थे। गुड इवनिंग बच्चों, सिट डाउन। मेरा नाम श्रीकांत है और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं बच्चों को प्रेशर नहीं, प्यार देता हूँ। तो बदले में आप भी अपने इस टीचर को काफी सारा प्यार देना। हम मस्त पढ़ेंगे और मस्ती भी करेंगे, क्या कहते हो? यस सर। तो चलो, मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आप सब एक एक करके मुझे अपने बारे में बताओ। उसके बाद मैं आप सबको एक मस्त कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे और उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, क्या कहते हो? यस सर। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी सब ने श्रीकांत सर को अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर श्रीकांत सर ने बच्चों को चूहे बिल्ली की मजेदार कहानी सुनाई और फिर सबने किताबें खोली। उनका पढ़ाने और डाउट क्लियर करने का अंदाज इतना हटके और इतना सिंपल था कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। चलो बच्चों, आज की हमारी ट्यूशन ट्रेन इसी स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन भूलना नहीं, टेंशन लेना नहीं और श्रीकांत को बाय बाय किए बिना घर जाना नहीं। इस प्रकार पहले ही दिन ट्यूशन टीचर से बच्चों की दोस्ती हो गई। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे रोज बिना डरे ट्यूशन आने लगे और श्रीकांत सर के साथ पढ़ाई के मजे लेने लगे।